नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में आप लोग को बताने वाले बेनिफिशियरी पोर्टल के बारे में। अगर आप लोग भी बेनिफिशियरी पोर्टल में जब यहाँ पर किसी का आपका यहाँ पर फैमिली आईडी या आधार नंबर डाल के सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद अगर आपका यहाँ पर स्टेटस में अनआइडेंटिफाई बता रहा है और आप यहाँ पर जब यहाँ पर आप उसका यहाँ पर लिंक आधार पे क्लिक करते हैं, पर जिसका यहाँ पर आधार कार्ड जुड़ा नहीं रहता है तो उसका अनआइडेंटिफाई उसमें रहता है, उसका अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको लिंक आधार करने के लिए बोला गया। जैसे आप यहाँ पर लिंक आधार पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से फॉर आइडेंटिफाई यूजर योर कैन नॉट ऑथिकेट वी आई बेनिफिशरी लॉग इन कैंडली अप्रोच ऑपरेटर फॉर ऑथिकेट। आपको यहाँ पर बोला जा रहा, आप इसको जो बेनिफिशरी आप लॉग इन किए इससे आप यहाँ पर आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते, आपको ऑपरेटर से बनाना होगा। तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले कि किस प्रकार से आप बेनिफिशरी लॉग इन करके इस आयुष्मान कार्ड को अपना आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं, आयुष्मान कार्ड में आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं। कैसे करना है तो आप इस वीडियो में बने रहे। दोस्तों मेरा नाम है दिलकुश और आप देख रहे हैं ऑनलाइन दिलकुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दी और बगल जो बेल आइकन है उसे भी पर ऑल प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए इस कमाल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना बेनिफिशियरी पोर्टल में आपको बेनिफिशियरी लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर देख हम बेनिफिशियरी लॉगिन किए, अगर यहाँ पर हम ऑपरेटर लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर न्यू एनरोलमेंट कार्ड डाउनलोड, यहाँ पर आधार लिंक, ये सारा ऑप्शन आता है क्योंकि हम यहाँ पर बेनिफिशियरी लॉगिन की इसी वजह से ये सारा ऑप्शन शो नहीं कर रहे। यहाँ पर देख हम थ्री लाइन पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं बेनिफिशियरी पोर्टल। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले स्कीम पे आना और यहाँ पर आपको पीएमजेवाई सेलेक्ट रहने देना है। फिर स्टेट पे आकर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपका जो भी स्टेट है, जैसे मेरा बिहार है तो हम बिहार सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर आपको सब स्कीम में आपको पीएमजेवाई सेलेक्ट रहने देना है। फिर यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करके आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ पर सर्च बाय पे आ जाना है, आपको यहाँ पर फैमिली आईडी, आधार नंबर, नाम, लोकेशन, आपको जिससे भी अपना सर्च करना है तो उससे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम फैमिली आईडी ले लेते हैं, फिर अपना फैमिली आईडी यहाँ पर डाल देते हैं। तो यहाँ पर अपना हम फैमिली आईडी फिलअप कर दिए हैं, फिर आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। सर्च पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब आपको क्या करना है, आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर आपका इस जो अभी हम फैमिली आईडी डाले उसमें 5 मेंबर हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर एक का सिर्फ कार्ड बना है और दूसरा का यहाँ पर देख बनाने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक का यहाँ पर देखते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे पर लिंक आधार करने के लिए बोला दे, उसका जो कार्ड है अप्रूव हुआ है पर उसका डाउनलोड का आइकन नहीं आ रहा है, यहाँ पर उसको बोल रहा है लिंक आधार करने के लिए। तो अगर आप लिंक आधार करने जाते हैं तो अगर इस तरह से प्रॉब्लम आता है और अनआइडेंटिफाई यूजर यूर यू कैन नॉट ऑथिकेट वी आई बेनिफिशरी लॉग इन काइंडली अप्रोच ऑपरेटर फॉर ऑथिकेट, आपको बोल रहा है पर ऑपरेटर आईडी से लॉग इन करके तभी इसमें लिंक आधार कर सकते हैं। अगर आपको लिंक आधार करना है तो हम आपको बेनिफिशियरी लॉग इन किए हैं उस अभी इसी से आपको लिंक आधार भी करके दिखाने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने बाद यहाँ पर हम देखते हैं फिर से यहाँ पर क्लिक करते हैं, लिंक आधार तो बता रहा है आपको ऑपरेटर से लॉग इन करने के लिए तभी आप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए, बेनिफिशियरी लॉग इन किए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक यूआरएल शो करेगा, यहाँ पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है और आपको क्या करना है, सिर्फ आपको यहाँ पर सर्च तक हटाना है और यहाँ पर देख हटा दिए। फिर आपको लिखना है AADHA, ऐसे लिखना है देख सकते हैं, और लिखना है AA दीजिएगा, फिर R, फिर LINK लिख, यहाँ पर देखते हैं किस तरह से लिखना है AADHA AARLINK लिख आपको लिखिएगा और यहाँ पर आपको सर्च कर दीजिएगा। ये लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से भी क्लिक उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर सर्च करते हैं, सर्च करने और यहाँ पर देखते हैं लिंक आधार का आइकन आ चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको स्टेट पे क्लिक करके आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर अपना स्टेट सेलेक्ट कर लिए हैं, फिर आपको पीएमजे पर देख सकते हैं, आपको पीएमजे सेलेक्ट रहने देना है। फिर आपको दो ऑप्शन शो करता है, फैमिली आईडी और पीएमजे आईडी। तो यहाँ पर हम फैमिली आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर अपना फैमिली आईडी यहाँ पर हम फिलअप कर देते हैं। तो यहाँ पर अपना हम फैमिली आईडी फिलअप कर दिए, फिर सर्च पर क्लिक करते हैं। सर्च पर क्लिक करने बाद इस तरह से आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर देखते हैं आपके जो फैमिली आईडी डाले उसमें जितना भी आयुष्मान कार्ड बना होगा यहाँ पर शो करेगा। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखते हम छोटा कर देते हैं। फिर आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं जिसका भी आप आयुष्मान कार्ड में पर आधार लिंक करना चाहते हैं उसका ही KYC का ऑप्शन है। जिस यहाँ पर देखते हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका भी KYC होगा, यहाँ पर लिंक आधार होगा। और यहाँ पर जिस हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसका नहीं हो रहा है, यहाँ पर दो का यहाँ पर मेरा आधार लिंक हो रहा है, यहाँ पर देखते हैं। और यहाँ पर हम देख सकते क्या लॉग इन किए हैं, गेस्ट मेरा यहाँ पर मैंने यहाँ पर हम बेनिफिशियरी लॉग इन किया, यहाँ पर हम ऑपरेटर लॉग इन नहीं किए क्योंकि यहाँ पर ऑपरेटर लिखा था। बेनिफिशियरी लॉग इन किया और फिर इसका यहाँ पर देखते हैं हम आधार OTP क्लिक करते हैं तो इसका यहाँ पर हमको लिंक आधार करने का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। हम आपको लाइव दिखाते हैं उसको लिंक आधार कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आधार नंबर फिलअप कर दिए, फिर वेरीफाई पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं आधार इज ऑलरेडी यूज जनरेट एंड कार्ड ओनली ऑन कार्ड कैन बी जनरेटेड फॉर ए गिवन आधार नंबर, मेरा बोल रहा है
ये कार्ड पहले ही यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर जनरेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है हम जिसका आप यहाँ पर आधार लिंक कर रहे हैं ये कार्ड पहले ही जनरेट हुआ है, क्योंकि उसका यहाँ पर लेबर कार्ड से पहले ही आयुष्मान कार्ड बना, ये हम राशन कार्ड का डिटेल डाल के बता रहे थे, इसी वजह से बता रहे हैं आधार इज ऑलरेडी यूज टू जनरेट कार्ड, ओनली ऑन कार्ड भी जनरेटेड, मेरा यहाँ पर ये कार्ड पहले ही जनरेट हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर हमें आधार लिंक करने का यहाँ पर नहीं दे रहा है। अगर आप यहाँ पर करना चाहते तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो अपना यहाँ पर आधार नंबर यहाँ पर आपका डालने का ऑप्शन आएगा, और आप यहाँ पर डाल के वेरीफाई कीजिएगा तो आपका आधार लिंक हो जाएगा यहाँ पर, ये हम आपको यहाँ पर ये 100% आपका आधार लिंक हो जाएगा, इस प्रोसेस से आप करते हैं तो आपका ये आधार लिंक हो जाएगा, आपका आइडेंटिफाई आयुष्मान है तब पर भी अपना आधार लिंक इस प्रकार से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, अनआइडेंटिफाई को अनआइडेंटिफाई आयुष्मान कार्ड को आधार कार्ड के लिंक कर सकते हैं इस प्रकार से। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।